दूर होगी धन की कमी, किस्मत का मिलेगा साथ, चैत्र पूर्णिमा पर कर लीजिए ये आसान उपाय। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बेहद ही महत्व है। एक साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन इनमें चैत्र पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस तिथि को कुछ उपाय करके आप आर्थिक लाभ पा सकते हैं और साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के ये आसान उपाय कौन से हैं। देखिए, अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इस दिन शिव की पूजा करने के दौरान बेलपत्र, दूध, दही, शहद अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शिव पूजन से शनि दोष भी दूर होता है और चंद्रमा से जुड़े अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद मिष्ठान और खीर का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। वहीं चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप चंद्रमा को जल में शक्कर, सफ़ेद फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ देते हैं तो मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त होती है। ये उपाय करने से भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होता है और धन धान्य में वृद्धि भी होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी आती है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बजरंग बली आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी का अंत हो सकता है। इन सभी उपायों में से कुछ उपाय अगर आप भी आजमा कर देखते हैं तो आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी उपाय को करने से पूर्व पूर्ण श्रद्धा भाव अपने मन में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।